आपका अपना YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, DGT के द्वारा एक अपडेट जारी की गई है और ये अपडेट उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जो विद्यार्थी IT NCVT से IT कर रहे हैं या फिर IT कर चुके हैं और उनके किसी भी सब्जेक्ट में रिपीयर यानी सप्लीमेंट्री आई हुई है, उनकी परीक्षा के लिए टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, ऊपर लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टर जर्नल ऑफ ट्रेनिंग यानी DGT डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो सब्जेक्ट में देखिए, एक्टिविटी शेड्यूल फॉर जनरेशन ऑफ हॉल टिकट फॉर AITT अंडर CTS सेमेस्टर सिस्टम, ड्यूअल सिस्टम, एरो एनुअल सिस्टम फॉर द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इज टू बी होल्ड इन November 2021। यानी ये जो परीक्षा होगी जो रिपीयर की, सेमेस्टर सिस्टम के विद्यार्थियों की होगी, ड्यूअल सिस्टम की होगी और एनुअल सिस्टम की होगी। उसके बाद में देखिए नंबर फर्स्ट पे सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग एनुअल सिस्टम, ठीक है, यानी एनुअल सिस्टम में जिन विद्यार्थियों का दाखिला हुआ था वो सेशन 2018 और 19 वाले विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। किसी भी सब्जेक्ट में अगर रिपीयर है तो वो परीक्षा है वो विद्यार्थी दे पाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग सेमेस्टर सिस्टम में, ठीक है ना, सेशन 2017 के बाद के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, उन सभी विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री की परीक्षा होगी। उसके बाद नंबर थ्री पे देखिए ट्रेन इज एडमिटेड इन 2018-19 वन ईयर और टू ईयर के कोर्स में जो विद्यार्थी और एनुअल सिस्टम में करंट के जो विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री की परीक्षा होगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे AITT अंडर CTS एग्ज़ाम, ठीक है ना, इसमें एनुअल सिस्टम, ड्यूअल सिस्टम और दिया हुआ है दोनों, ठीक है, उनकी जो परीक्षा होगी वो अगस्त और सितंबर 2021 और यहाँ पे दिया हुआ डेट भी यहाँ पे मेंशन किया है, देख सकते हो 23/8/2021, ठीक है ना, इनकी जो परीक्षा जो होगी वो CBT होगी। CBT के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे आपके, थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, वर्क कैलकुलेशन का होगा और ES का होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपका जो पेपर जो रहेगा प्रैक्टिकल का वो आपका दोनों ऑफलाइन होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट विदाउट NCVT MIS पोर्टल जनरेटेड हॉल टिकट शैल बी नॉट बी अलाउड टू दी अपेयर इन ए प्रैक्टिकल एंड ए इंजीनियरिंग ड्राइंग एग्जाम, ठीक है ना, उनके जो आपके रोल नंबर आएंगे वो आपके मैनुअली आएंगे, ठीक है ना, ITI से आप वहाँ से आप ले सकते हो। और अब बात करते हैं कि भी किन किन विद्यार्थियों की जो है वो CBT परीक्षा होगी, ठीक है ना। फीस के लिए उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप इनकी ऑनलाइन फीस आप भर सकते हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कई विद्यार्थियों ने फ़ोन किया कि सर हमारी जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो जिन विद्यार्थियों का दाखिला एनुअल सिस्टम में है, ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ भी एनुअल सिस्टम लिखा हुआ है, तो उनकी जो परीक्षा होगी वो CBT होगी, एनुअल सिस्टम में जिन विद्यार्थियों ने दाखिला लिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें ट्रेड थ्योरी, ES और वर्क कैलकुलेशन, ठीक है ना, उनकी परीक्षा क्या होगी, CBT होगी और प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो परीक्षा होगी वो आपकी मैनुअल होगी। सेमेस्टर सिस्टम की अगर हम बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे इनकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आगे टाइम टेबल जारी किया गया है, ये जो टाइम टेबल जो जारी किया गया है यहाँ पे देखिए एनुअल सिस्टम एग्जामिनेशन के लिए है ये, ठीक है ना, इसमें अगस्त 2018 और 19 के वन ईयर टू ईयर विद्यार्थियों के लिए ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो दिया हुआ है आपका प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का दो ही सब्जेक्ट दिए हुए हैं, क्योंकि आपका जो हॉल टिकट जारी होगा उसके अंदर ही आपको पता चलेगा अभी किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। 23 अगस्त जो डेट मेंशन की हुई थी जो मैंने आपको बताया था उसके अंडर ही आपकी जो CBT परीक्षा होने की संभावना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 13/9/2021 को, ठीक है ना, सुबह 10 बजे का टाइम और वन ईयर ट्रेड के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा। कौन कौन विद्यार्थी इसमें शामिल रहेंगे देख सकते हो, अगस्त 2019 और 18 वाले विद्यार्थी, ठीक है ना। और उसके बाद में सेकंड देखिए यहाँ पे सेकंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, जिन विद्यार्थियों की एक साल के कोर्स है वो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में देख सकते हो 13/14/15 को, ठीक है ना, मॉर्निंग में प्रैक्टिकल रहेगा। उसके बाद 16/17 को फिर प्रैक्टिकल रहेगा सभी ट्रेड के लिए। और उसके बाद में ये जो टाइम टेबल जारी किया गया है तो देखिए यहाँ पे ये किया गया है ड्यूअल सिस्टम, ठीक है ना, और सेमेस्टर सिस्टम के लिए। तो सेमेस्टर सिस्टम और ड्यूअल सिस्टम के लिए जो विद्यार्थी, क्योंकि अभी जो सेमेस्टर सिस्टम है वो बंद हो चुका है और जो भी विद्यार्थी फेलियर हैं, ठीक है, रिपेयर आई हुई है, तो वो परीक्षा दे पाएंगे। तो देख सकते हो 13/9 से स्टार्टिंग है इनका, तो देख सकते हो 10 बजे और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का रहेगा पेपर, और यहाँ पे जो दिया हुआ वन ईयर है टू ईयर का रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जो दिया गया है वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम का दिया हुआ, ऊपर वाला देखना है ये ड्यूअल सिस्टम के लिए। तो अपना अपना जो है जिस जिस डेट को है वो आसानी से आप देख सकते हो। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्रिय विद्यार्थियों मुझे कॉमेंट कर सकते हो। बात करूँ कि इंजीनियरिंग ड्राॅइंग का जो पेपर जो होगा उसके लिए मैंने पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी वीडियो बनाई हुई है,
ठीक है ना। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल पे जैसे ही आप विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो बनाई हुई है, वो देखना, उसके बाद में आप आसानी से पेपर है वो क्लियर कर पाओगे। आशा करता हूँ कि अपडेट आपको जरूर पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।